Hello students, welcome to Record Finder YouTube channel. Today I am going to teach you about English 12, Indian Civilization and Culture. So in this chapter we shall study about Indian Civilization and Culture. Indian Civilization and Culture is written by Mahatma Gandhi and he was more a spiritual leader than a politician. He has written many books and many stories, but today we will study about Mahatma Gandhi, who has written Indian Civilization and Culture. He has used truth and non-violence, truth and non-violence as his chief weapon. Unka mukhya tya non-violence tha, ahimsa. Wo ahimsa par vishwas karte the aur wo ek adhyatmik neta tha. He successfully used truth, अब वो सच्चाई पर हमेशा सच्चाई की ओर, and non-violence as the chief weapons against the British rule. अंग्रेज के शासन के विरुद्ध वो non-violence का ही प्रयोग करते थे, वो violence का प्रयोग नहीं करते थे. और in 1915 till 1948 he completely dominated Indian politics. वो भारत के नेतागिरी में वो पूरे तरह से अपना हावी हुए और he died at the hands of a fanatic on 30 January 1948. उनका निधन 30 जनवरी 1948 को जो कि एक कट्टर के हाथों मारा गया. और उन्होंने इन इस ऑटोबायोग्राफी अपना आत्मकथा में many experiments with truth and numerous articles he wrote for young India. Young India के लिए बहुत सारे अलग-अलग my experiments with truth and different types of things were written by Mahatma Gandhi. So today we shall study Indian civilization and culture. In Indian civilization and culture, we shall study about the civilization of our country. And after I believe in this book it is given that the Indian civilization has evolved, is not to be beaten in the world. Our Indian civilization is evolved that cannot be beaten into the world. जो हमारे भारतीय का जो सभ्यता है वो ऐसी सभ्यता है जिसको कोई आज तक हरा नहीं सकता. Nothing can equal the seed sown by our ancestor. हमारे पूर्वज जो बीज बोए हैं वो आज तक कोई इसको खत्म नहीं कर सकते. रोम तो चला गया, ग्रीस शेयर द सेम ट्रैप और ग्रीस का भी वही हाल हुआ. एंड द माइट ऑफ द प्राव वाज ब्रोकन और प्राव का शक्ति भी खत्म हो गया, टूट गया. जापान हैज बिकम वेस्टर्निज और जापान भी वेस्टर्निज बन गए, वो तो वेस्टर्निज. चाइना नथिंग कैन बी सेड और चाइना के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता, चाइना के संबंध में कुछ भी कहा नहीं जा सकता. और हाउएवर और अदर साउंड एट द फाउंडेशन, लेकिन हमारा भारत जो है वो अपने नींव पर खड़ा और आज भी वो अटल है. द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस. ग्रीस के लोगों से यूरोप लोग पाठ सीखते हैं. रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन द फॉरवर्ड ग्लोरी, और रोम भी आज भी अपना पहले ग्लोरी में नहीं है. इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उनों से कोशिश सीखने का कोशिश जो करते हैं यूरोपियन, इमेजिन यूरोप लोग कल्पना करते हैं. दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम. ग्रीस और रोम जो मिस्टेक जो गलतियां करते हैं उसको नहीं करते हैं. सच इज देयर पिटिबल कंडीशन, और यही उसका दयनीय स्थिति है. तो आज हम लोग इस चैप्टर का कुछ सारांश जानेंगे. तो इसमें हम लोग स्टडी करेंगे कि आई बिलीव दैट, मैं विश्वास करता हूं कि भारत का जो सभ्यता है वो सबसे महान सभ्यता है. इस सभ्यता को कोई भी देश इसका सामना नहीं कर सकता. इंडिया इज द ग्रेटेस्ट इन इट्स कल्चर एंड सिविलाइजेशन. नोबडी कैन कंपेयर फ्रॉम आवर कंट्री. हमारा देश से कोई भी देश इसका कल्पना नहीं कर सकते हैं, कोई इससे कंपेयर नहीं कर सकते हैं. जैसे यहाँ आप लोग देख सकते हैं रोम का वही हाल हुआ, रोम खत्म हो गया
ग्रीस भी अपना वही वही हुआ और जो फराओ जो है उसका भी शक्ति खत्म हो गया। और इस तरह से इस पाठ के जो लेखक है महात्मा गांधी वो कहना चाहते हैं कि हमारा देश आज भी अटल है और सारा देश अपना अपना ये खोज चुके हैं, लेकिन हमारा देश अपने स्थिर एक ही जगह पर अटल है। और इससे हम लोग कुछ और आगे की ओर ऑब्जेक्टिव इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है जो मैं आप लोगों को परीक्षा के लिए बताना चाहता हूँ। आप लोग जैसे कि जानते हैं कि इस बुक से रेनबो बुक्स 12 से 50% का आप लोगों को प्रोस एंड पोएट्री सेक्शन से आएगा और 50 मार्क्स ग्रामर से आएगा। तो ग्रामर पोर्शन तो आप लोगों को हम बता रहे हैं और आज भी इससे हम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से कुछ आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताना चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जैसे पहला क्वेश्चन, हु वाज महात्मा गांधी, महात्मा गांधी कौन थे, तो ये आप लोग बता सकते हैं महात्मा गांधी कौन थे। महात्मा गांधी, देखिए आंसर इन वन सेंटेंस, महात्मा गांधी वाज द फादर ऑफ द नेशन, फादर ऑफ द नेशन, फादर ऑफ द नेशन। When was he born? उनका जन्म कब हुआ था? He was born on 2nd October 1869. What type of leader he was? वो किस तरह के नेता थे? He was a spiritual leader than a politician. देखिए ये बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है और ये जो ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा जाता है। When did he plunge into politics? वो पॉलिटिक्स में कब आए? He plunged into politics 1915। और भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है। Who wrote Indian Civilization and Culture का लेखक कौन है? महात्मा गांधी wrote Indian Civilization and Culture। Number 6, who cannot compare with Indian Civilization? All the other countries is like Rome, China, etc. cannot compare with Indian civilization. देखिए आप लोगों को फिर से एक बार मैं बताना चाहता हूं कि ये जो है इंग्लिश 12 में, इन क्लास 12 आप लोगों को
इंग्लिश में ये आपका बुक से 50 मार्क्स का रहेगा और ग्रामर में 50 मार्क्स। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी 50 मार्क्स का रहेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आज आप लोगों के सामने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो ऑब्जेक्टिव बनता है, मैं आप लोगों को कुछ आज बताने जा रहा हूँ, जो कि आप लोगों के लिए एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए क्या है, महात्मा गांधी। देखिए महात्मा गांधी कौन थे, ये आप लोगों को पूछा जा सकता है। तो महात्मा गांधी वॉज द फादर ऑफ द नेशन। महात्मा गांधी कौन थे, ही वॉज द फादर ऑफ द नेशन। व्हेन वॉज ही बॉर्न, नंबर टू, उनका जन्म कब हुआ था। ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। What type of leader he was? वो किस प्रकार के नेता थे? तो he was a spiritual leader. वो एक आध्यात्मिक नेता थे, than a politician. When did he plunge into politics? He plunged into politics in 1915. Who wrote Indian Civilization and Culture? महात्मा गांधी wrote Indian Civilization and Culture. Who cannot compare with Indian Civilization? All the other countries like Rome, China, etc. cannot compare with Indian civilization. Indian civilization and culture. Like this, many questions can be written or many objectives can be written on this topic. But today I am trying to give you more questions. But let us see, India's glory is that. What is India glory? What is India glory? Indian glory is, what is Indian glory that I am going to say after this. What is our mind? What is our mind in the Indian civilization? In the Indian civilization. What is our mind? Indian civilization and culture. Our mind is like, our mind is like restless bird. Our mind is like restless bird. Number two, why is a person not necessarily happy? A person is not necessarily happy because a person cannot be judged, cannot be judged by its appearance. By its appearance. This way I can write so many questions in Indian civilization and culture. Today till now only I have completed, and now in the next video I shall give you more questions in taking from this chapter. Thank you.